हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका techpp.com के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है सुमुख और आज मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ अलग है, कुछ हटके है, और वो है ये। तो ये है एक बैकपैक जो हमें ASUS ने भेजा है रिव्यू के लिए, और इस बैकपैक को हम काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ऑफकोर्स अभी सिचुएशन ऐसा है कि हम बाहर नहीं जा सकते, आप भी मत जाइए, मास्क पहन के जाइए अगर ज़रूरी है जाना हो तो, बट प्लीज़ स्टे एट होम as much as possible, also keep washing your hands and just stay safe, the situation is really bad out there. Khair, bag ke bare mein baat karte hain, and the first thing that I noticed after we got this bag for review is ki ye kafi zyada bada hai and it can fit in a lot of things and kuch smart features bhi hai is bag mein which kind of makes it cool. Of course, jo features wagera hai wo hum aapko dikhayenge aur batayenge ki kaise kaam karte hain. साथ में ये जो बैग है वो 20,000 रुपये का बिकता है। जी हाँ, 20,000 रुपये का आपको ये बैकपैक मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स वील ऑल्सो डिस्कस वेदर इट इज़ वर्थ पेइंग दैट प्राइस और नॉट, एंड हु रियली शुड बाय दिस बैकपैक। तो वीडियो शुरू करने से पहले, हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर के साथ, एंड जैसे आपने देख ही लिया होगा बैग का जो सामने वाला हिस्सा है वहाँ पे हमें कुछ LED लाइट्स मिल जाते हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ द ASUS ROG लोगो। उसके साथ ही हमें एक लाइट स्ट्रिप भी मिलता है जो बैग के ऊपर लगाया हुआ है। नाउ दीज आर कस्टमाइजेबल RGB LEDs। एक कंट्रोलर हमें मिल जाता है बैग पे जो आप बैग के अंदर ही रख सकते हैं एक पॉकेट में, एंड दिस पर्टिकुलर कंट्रोलर अलाउज यू टू इधर चेंज द कलर या फिर आप लाइट को ऑफ कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए और ज़्यादा जैजी लग रहा है तो आप कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर सकते हैं, या फिर यू कैन साइकिल थ्रू डिफरेंट मोड्स, ब्रीदिंग इफेक्ट्स वगैरह आप इस लाइट पे लगा सकते हैं। अब आपको ये RGB लाइटिंग देख के समझ आ गया होगा कि ये एक गेमर सेंट्रिक बैकपैक है। नाउ इफ़ यू आर अवेयर ऑफ यू नो गेमिंग पेरिफेरल्स, या फिर जो गेमर्स होते हैं उनको ये RGB रंग बिरंगा लुक बहुत पसंद होता है। कीबोर्ड, माउस वगैरह सब पे RGB देखने को मिल जाता है, गेमिंग लैपटॉप्स पे भी हमें RGB लाइटिंग मिलता है, तो इसलिए ASUS ने इस बैग पे भी हमें RGB लाइटिंग दिया हुआ है। पर्सनली इफ़ यू आस्क अस, ये कुछ ज़्यादा फंक्शनल नहीं है बट इट काइंड ऑफ जस्ट लुक्स कूल, इट एड्स टू दैट गेमर एक्सेंट इफ़ यू वॉन्ट टू गो अराउंड टेलिंग पीपल के मैं एक गेमर हूँ, मैं PC गेम्स खेलता हूँ, या फिर जो भी है, इफ़ यू आर इनटू दैट हार्डकोर गेमिंग कम्युनिटी दिस बैग कैन बी अ नाइस वे टू एक्चुअली टेल द आउटसाइड वर्ल्ड के मैं एक बहुत बड़ा गेमर हूँ और एक गेमिंग एंथुजियास्ट हूँ। अपार्ट फ्रॉम दी LEDs ऑन द फ्रंट, अगर आप बैग को देखेंगे तो काफ़ी एक रगेड लुक आपको देखने को मिलेगा इस बैग पे। काफ़ी एक हैवी ड्यूटी बैकपैक है, एंड दिस मीन्स दैट द बैग इटसेल्फ इज़ ऑल्सो क्वाइट हैवी। तो अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा सामान भर के पैक कर देंगे इसको, देन इट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली ऑन दी हैवियर साइड टू कैरी अराउंड। बट अगेन, व्हेन यू आर गेटिंग अ बैकपैक ऑफ दिस साइज, मोस्ट प्रॉब्ली यू आर गोइंग टू फिल इट अप विद थिंग्स, एंड आपको पता होना चाहिए कि ऑफकोर्स ये भारी होने वाला है, एंड यू शुड बी रेडी टू कैरी अराउंड दैट वेट वेर एवर यू गो। जहाँ पे लोगो और लाइट स्ट्रिप दिया गया है उसी के डायरेक्टली नीचे अगर देखा जाए तो एक जिपर पॉकेट हमें मिल जाता है, और उसके अंदर आप कुछ भी क्विक एक्सेस का सामान रख सकते हैं। जैसे अगर आप बाइक वगैरह से ट्रैवल करते हैं तो आपके इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स या फिर RC डॉक्यूमेंट्स जो भी है, इफ़ यू डोंट वांट टू कीप इट इन योर व्हीकल इटसेल्फ, आप यहाँ पे क्विक एक्सेस पॉकेट में रख सकते हैं। उसके डायरेक्टली नीचे देखा जाए तो एक डिटैचेबल मैसेंजर बैकपैक हमें मिल जाता है। ये वेलक्रो और कुछ बटन मैकेनिज्म के साथ बैग के साथ अटैच्ड है, और आप इसे डिटैच भी कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट कैरी दिस एज अ सेपरेट बैकपैक इफ़ यू रियली वांट टू डू दैट, एज अ सेपरेट मैसेंजर बैग रादर, अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें कैरी करनी है, एंड अगर आप ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा रहे हैं, आप बस पास में कहीं पर जा रहे हैं, तो यू कैन जस्ट कैरी दिस स्मॉल मैसेंजर बैग सेपरेटली। और इसके साथ अटैच होने वाला एक स्ट्रैप भी हमें साथ में मिल जाता है, सो दैट व्हेन यू डिटैच जस्ट द मैसेंजर बैग यू कैन अटैच दैट स्ट्रैप एंड यू कैन जस्ट पुट इट ऑन योर शोल्डर एंड गो अराउंड। इस मैसेंजर बैग पे एक मेजर कंपार्टमेंट मिल जाता है टू स्टोर व्हाटएवर यू वांट टू, एंड उसके सामने की तरफ हमें एक मेश पॉकेट मिलता है जहाँ पे आप अगेन कुछ भी ऐसे क्विक एक्सेस वाले चीज़ें रख सकते हैं, और उसके बाजू में और एक जिपर दिया गया है वेर इन अगेन यू कैन पुट इन समथिंग दैट यू वांट टू कैरी। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अपना हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है उस पॉकेट में, सो दैट इज़ जस्ट ईजी फॉर मी टू एक्सेस इट वेन एवर आई हैव टू डू दैट, विच इन दिस सिचुएशन इज़ क्वाइट फ्रीक्वेंट। तो जो मेन पॉकेट है उसके अंदर आप देखेंगे तो अगेन एक डिवीजन मिल जाता है, एक मेश कंपार्टमेंट इसके अंदर भी दिया गया है, साथ में देयर इज ऑल्सो अनदर कंपार्टमेंट विच इज सिक्योर्ड यूजिंग अ वेलक्रो।
इस मैसेंजर बैकपैक पे हमें गेम ऑन और रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का ब्रांडिंग मिल जाता है, विच अगेन जस्ट एम्फसाइजेस ऑन द फैक्ट दैट ये बैकपैक जो है ये स्पेसिफिकली गेमर्स के लिए बनाया गया है। अब ये तो हो गए छोटे मोटे कंपार्टमेंट्स के बारे में बातें, अब हम बात करेंगे मेन कंपार्टमेंट्स के बारे में जो इस बैकपैक पे दिया गया है। सो लेट स्टार्ट विथ द फर्स्ट कंपार्टमेंट। और जो पहला कंपार्टमेंट है ये पूरी तरीके से खुल जाता है एक्सेप्ट फॉर ऑन वन साइड विच इज एट द बॉटम। तो मैं ये पूरा खोल के आपको दिखा देता हूँ। बाय द वे अभी मैं जिप खोल रहा हूँ तो जो जिप है वो भी बहुत ही स्मूथली खुलता है इस बैकपैक पे। एंड इफ यू नोटिस ऑल द जिपर्स आर रबर सील प्रोटेक्टेड ताकि जो पानी है वो अंदर ना घुसे। ये एक वाटर रेजिस्टेंट बैकपैक है तो इवन इफ यू आर कैरिंग दिस अराउंड इन द रेन तो जिपर्स का जो सील है वो काफी अच्छा है एंड वाटर विल नॉट रियली एंटर इनसाइड दिस बैकपैक थ्रू दो जिप ओपनिंग्स। अब ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये खोलते ही आपको और एक लाइट नजर आएगा एंड दिस इज अ सिंगल व्हाइट कलर स्ट्रिप लाइट दैट इज गिवन इनसाइड। और ये काम आ सकता है अंधेरे में अगर आप बैग खोल रहे हैं और आपको कॉन्टेंट्स नहीं दिख रहा है बैग का जो भी रखा हुआ है, देन यू कैन यूज दिस लाइट एंड इट कैन बी क्वाइट हेल्पफुल इन दैट सिनेरियो। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइट आपको एक चीज नजर आएगा कि इस वाले जिपर में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि हमें एक मेश कंपार्टमेंट अगेन मिल जाता है यहाँ पे जहाँ पे आप अगेन कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कीज वगैरह रख सकते हैं या फिर कुछ स्मार्टफोन एक्सेसरीज वगैरह आप कैरी कर रहे हैं तो आप इस मेश कंपार्टमेंट में उसे रख सकते हैं। साथ में हमें एक डिटैचेबल छोटा सा एक कंपार्टमेंट जैसा मिल जाता है जिसे अगेन आप बटन्स के थ्रू यहाँ पे साइड में अटैच कर सकते हैं एंड मैं उसे डिटैच करके आपको दिखा देता हूँ। दिस इज ऑल्सो लाइक एन एडिशनल कंपार्टमेंट जहाँ पे आप कुछ एक्सेसरीज वगैरह स्टोर कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे भी एक जिपर मिल जाता है एंड दिस कैन इवन बी यूज टू स्टोर योर क्लोथ्स इफ यू आर कैरिंग एनी। अगर आप एक सिंगल डे ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपको कपड़े रखने हैं तो आप इसके अंदर रख सकते हैं एंड इट इज गोइंग टू रिमेन क्रम्पल फ्री, एटलीस्ट आई होप सो, क्योंकि एक स्टिफ सपोर्ट जैसा मिल जाता है इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर। और जो सामने की तरफ है आप सॉक्स वगैरह रख सकते हैं या फिर अगर आप कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह कैरी करना चाहते हैं, कंघी वगैरह, तो वो भी आप रख सकते हैं। सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं देन दिस पर्टिकुलर एडिशनल कंपार्टमेंट विच इज गिवन दैट कैन बी अटैच्ड ऑन द साइड्स थ्रू बटन्स, ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगेन मल्टीपल कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। एक ऊपर की तरफ कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पे आप टैबलेट्स वगैरह रख सकते हैं, आई मीन योर आईपैड एंड योर एंड्रॉयड टैबलेट्स, नॉट खाने वाला टैबलेट। एंड इस कंपार्टमेंट के अंदर मैंने कुछ सामान रखा हुआ है जो इस बैग के साथ ही मिलता है। सो फर्स्टली यू गेट दिस पर्टिकुलर टैग, जो टैग है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं इस बैकपैक के। और अगर आपको वो जानने हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो लेंथ है इस बैकपैक का वो 300 मिलीमीटर्स है और जो हाइट है वो 480 मिलीमीटर्स है और जो विड्थ है वो 170 मिलीमीटर्स है। जो बैग का वेट है वो है 1.94 केजीज। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि जो बैग है विदाउट एनीथिंग इनसाइड इट इटसेल्फ इज क्वाइट हैवी, तो उसको ध्यान में रखिए। एज आई सेड हैवी ड्यूटी बैकपैक है तो ऑफकोर्स ऑल दोज एडेड मटीरियल्स एड अप टू द वेट। फिर हमें एक ROG Ranger गेमिंग बैकपैक का यूज़र गाइड मिल जाता है। यस, बैग के साथ भी हमें यूज़र गाइड दिया गया है एंड दिस पर्टिकुलर यूज़र गाइड mentions हाउ यू कैन यूज़ दी रिमोट कंट्रोल टू कंट्रोल दी लाइटिंग ऑन द बैकपैक। ऑफकोर्स वो हम आपको दिखाने वाले हैं और उसके साथ कुछ और एडिशनल instructions भी दिया गया है एंड इट also mentions के जो ये बैकपैक है ये IPX4 रेटेड है इंक्लूडिंग द कंट्रोलर। सो द कंट्रोलर इज बेसिकली IPX4 रेटेड। साथ में हमें ये एक वाई स्प्लिटर केबल भी मिल जाता है इस बैकपैक के साथ एंड दिस इज बेसिकली यूज्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कंट्रोलर विच इज गिवन। और साथ में अगर आपको अपना फोन भी चार्ज करना है देन यू कैन यूज दिस स्प्लिटर। सो बेसिकली हाउ द कंट्रोलर वर्क्स इज दैट यू नीड टू अटैच योर ओन पावर बैंक विद दिस पर्टिकुलर बैकपैक। जी हाँ, अगर आपके पास कोई पावर बैंक है उसके बैटरी से इसका जो लाइटिंग सिस्टम है वो पूरा चलता है। और अगर आपके पावर बैंक में सिर्फ एक ही USB पोर्ट है देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्प्लिटर इन ऑर्डर टू स्प्लिट दैट पोर्ट इनटू कंट्रोलिंग दिस लाइटिंग सिस्टम एज वेल एज चार्जिंग योर फोन। अगर आपके पावर बैंक में दो पोर्ट्स है देन यू विल नॉट रियली रिक्वायर दिस पर्टिकुलर स्प्लिटर, लेकिन ऑफकोर्स दिया गया है, 20,000 रुपये दे रहे हैं, ऑफकोर्स इट्स मैंडेटरी फॉर देम टू प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ एडिशनल एक्सेसरी दैट यू माइट रिक्वायर। तो इसे मैं वापस अंदर डाल देता हूँ और उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यू गेट मोर ऑफ दी स्मॉलर कंपार्टमेंट्स जहाँ पे अगेन ये एक वेलक्रो से प्रोटेक्टेड कंपार्टमेंट है।
आप अपना कोई एडिशनल स्मार्टफोन अगर आप कैरी कर रहे हैं एक से ज़्यादा तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाजू में ही एक ज़िपर कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप चार्जिंग केबल्स वगैरह रख सकते हैं, या फिर अगर आप USB फ्लैश ड्राइव वगैरह कैरी करते हैं तो वो सब आप इन कंपार्टमेंट्स में रख सकते हैं। नीचे की तरफ अगेन और एक मेश कंपार्टमेंट मिल जाता है वेर एन यू कैन स्टोर मोर ऑफ योर एक्सेसरीज। जैसे मैंने आपको बताया ये एक गेमर बैकपैक है, तो अगर आप माउस वगैरह कैरी कर रहे हैं अपने साथ देन यू कैन पुट इट इनटू एनी ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स एंड इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल, स्पेशली अगर आप एक टेकी हैं, अगर आप बहुत सारे गैजेट्स रखते हैं अपने साथ में देन मोर द कंपार्टमेंट्स ऑफकोर्स द बेटर इट इज़ बिकॉज यू कैन इक्वली डिवाइड ऑल योर बिलोंगिंग्स इन दोज कंपार्टमेंट्स। अब इसी कंपार्टमेंट में नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक वायर दिखेगा एंड दिस वायर इज रनिंग राइट फ्रॉम द RGB LED स्ट्रिप्स दैट इज देयर ऑन द फ्रंट एंड पीछे से ये रोट होके एक साइड कंपार्टमेंट में जा रहा है। मैं आपको अभी वो साइड कंपार्टमेंट दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज इन दैट पर्टिकुलर कंपार्टमेंट। तो अगर आप केबल पे नज़र डालेंगे तो ये एक छोटे से ओपनिंग के तरफ जाता है एंड इट एंड्स अप इन दिस एनक्लोजर ओवर हियर एंड इस एनक्लोजर के अंदर ही मैंने अपना पावर बैंक कनेक्ट किया हुआ है। तो इस एनक्लोजर के अंदर एक वायर आता है एंड दैट वायर कनेक्ट द USB-A पोर्ट ऑफ द पावर बैंक, तो वहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है एंड दी अदर एंड ऑफ दैट केबल एंड्स अप इन दिस एक्सटीरियर कंपार्टमेंट जिसको मैं अभी खोलता हूँ एंड आपको वहाँ पे कंट्रोलर नज़र आएगा। तो ये जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे आपका कंट्रोलर बैठेगा एंड जैसे आप देख सकते हैं ROG का कंट्रोलर है एंड इस पे चार अलग अलग बटन दिए गए हैं। तो पहला जो बटन है वो है लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, जो बाहर की तरफ आपने देखा जो RGB लाइटिंग है उसे ऑन ऑफ करने के लिए। दूसरा जो बटन है वो है इंटीरियर लाइट स्ट्रिप को ऑन ऑफ करने के लिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया जो वाइट कलर का लाइट है। तीसरा जो बटन है वो है एम्बियंट सेंसर को इनेबल या डिसेबल करने के लिए। और जो चौथा बटन है वो आपका जो लाइटिंग सीक्वेंस है वो चेंज करने के लिए दिया गया है। तो ये मेन ब्रेन्स है इस लाइटिंग सिस्टम का जो बैग में दिया गया है, इसी से आप जो पूरा कंट्रोल है वो लाइटिंग को कर सकते हैं एंड दिस कंट्रोलर नीटली जस्ट टक्स इन टू दिस पर्टिकुलर पॉकेट ऑन द साइड। अब इसी पॉकेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमें एक पास थ्रू पोर्ट मिलता है वेर एन यू कैन एक्चुअली जस्ट प्लग इन अनदर USB केबल इन टू योर पावर बैंक एंड यू कैन रन दैट थ्रू दिस पर्टिकुलर पास थ्रू होल एंड ये भी इसी लेफ्ट वाले साइड पॉकेट में आके रह जाता है। And this is where you can actually put in your smartphone if you are going to charge it, या फिर आप इस pocket के through इस cable को बाहर निकाल सकते हैं अपने smartphone को charge करने के लिए। This is also an anti-theft backpack, तो जो zip वगैरह है वो आराम से tuck in हो जाते हैं और आसानी से नहीं खुलते हैं। तो अगर आप train वगैरह में सफ़र कर रहे हैं तो कोई भी backpack आपको खोलने को try करेगा तो आपको पता चल जाएगा, because it is not really that easy to find the zippers to open up the compartments in this particular backpack. तो वो तो हो गया स्मार्ट mechanisms के बारे में। अब जो compartment मैंने आपको exterior के तरफ दिखाया left side पे, same sort of compartment हमें right side पे भी मिल जाता है, लेकिन here there is no remote control or any sort of smart mechanisms. ये जो compartment है वो specifically आपके water bottle के लिए दिया गया है, या फिर अगर आप छाता वगैरह रखना चाहते हैं अपने backpack पे तो इसलिए ये कंपार्टमेंट दिया गया है। ये भी zipper के थ्रू खुल जाता है एंड इट एक्सटेंड्स क्वाइट अ बिट, आप आराम से इसमें 1 लीटर का भी वाटर बॉटल रख सकते हैं। बैकपैक के साइड्स अगर आप देखेंगे तो हमें काफ़ी सारे जगहों पे एडजस्टेबल लूप्स मिल जाते हैं टू ईदर टाइटन अप द फिट और लूजन इट अप। अगर आप बहुत सारा सामान रखते हैं इस बैकपैक में तो थोड़ा आप लूज कर सकते हैं इन एडजस्टेबल लूप्स को ताकि आराम से आपका सामान इसके अंदर फिट हो जाए। जो मेन कंपार्टमेंट के जिपर्स दिए गए हैं दोज हैव होल्स थ्रू विच यू कैन एक्चुअली अटैच अ लॉक, तो आप एक डिजिटल लॉक या फिर जो नॉर्मल लॉक मिलता है उसे भी लगा सकते हैं स्पेशली वाइल यू आर ट्रैवलिंग। अब आखिरी कंपार्टमेंट के बारे में बात करें तो दिस इज वेयर यू वुड एक्चुअली कीप योर लैपटॉप। तो इसे खोल लेता हूँ मैं एंड ओवर हियर यू फाइंड अगेन टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, एक डिवाइडर के तरह बीच में मिल जाता है हमें क्लॉथ का बना हुआ। पीछे की तरफ आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं एंड दिस पर्टिकुलर बैकपैक कैन टेक अप टू अ 17-inch लैपटॉप। तो अगर आपके पास बहुत ही बड़ा लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप्स ऑफकोर्स यूजली बल्की होते हैं, बड़े होते हैं, तो आप उसे भी आराम से इसके अंदर फिट कर सकते हैं। और एक जो छोटा कंपार्टमेंट है ओवर देयर यू कैन प्रॉब्ली कीप अ नोटबुक या फिर ऐसे ही कुछ अगर आप कैरी करते हैं, या फिर कैश वैश भी अगर आप कैरी कर रहे हैं तो भी आप इस कंपार्टमेंट के अंदर उसे रख सकते हैं, या फिर आपका जो लैपटॉप चार्जर है वो भी आप इसी कंपार्टमेंट पे, जो डिवीजन के बारे में मैंने बात किया
डिवीजन के दूसरे तरफ आप अपने लैपटॉप चार्जर वगैरह को भी रख सकते हैं। सो दिस कंपार्टमेंट इज़ अगेन वेरी सेफ एंड जो जिपर्स हैं वो भी सील प्रोटेक्टेड हैं, तो पानी वगैरह जो है ये अंदर नहीं जाएगा और आप इसे आराम से लॉक भी कर सकते हैं। सो दैट्स प्रीटी मच इट रिगार्डिंग दी कंपार्टमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर बैकपैक। जो पीछे की तरफ पैडिंग दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है एंड इट काइंड ऑफ सपोर्ट्स योर बैक व्हेन यू वेयर इट। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि काफ़ी भारी बैकपैक है, तो जो बैक के लिए सपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यू डू गेट दैट ऑन दिस पर्टिकुलर बैकपैक। जो स्ट्रैप्स है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पैडिंग हमें देखने को मिल जाता है एंड ऑफ कोर्स द स्ट्रैप्स आर एडजस्टेबल और हमें बीच में एक बकल भी मिल जाता है जिसके मदद से आप इसे और अच्छे से अपने कंधों पर सिक्योर रख पाएंगे। जो बॉटम सपोर्ट है वो वेलक्रो से यहाँ पे अटैच्ड है एंड यू कैन बेसिकली डिटैच दैट टू काइंड ऑफ रिवील अनदर स्मॉल कंपार्टमेंट वेर इन यू कैन एक्चुअली अगेन कीप सम क्विक एक्सेस स्टफ। जैसे अगर आपको पैसे वैसे रखने हैं तो यू कैन कीप देम ओवर हियर। ऑल्टरनेटिवली उसी के नीचे हमें एक जिपर भी मिल जाता है जिसे आप अगर अनजिप करेंगे यू वुड ओपन दिस पर्टिकुलर पार्ट अप, जिसके मदद से आप अपने ट्रॉली या फिर कोई हैंड लगेज पे इसे अटैच कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट ड्रैग इट अलॉन्ग इफ यू डोंट रियली वॉन्ट टू कैरी इट ऑन योर बैक, तो ट्रैवल करते वक्त ये काफ़ी हैंडी हो सकता है। लास्ट फाइनल चीज़ इस बैकपैक का एक कंपार्टमेंट नीचे की तरफ जो दिया गया है वो है इसके रेनकोट के लिए। तो जी हाँ, ये वाटर रेजिस्टेंट ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो यू कैन एक्चुअली जस्ट ओपन दिस कंपार्टमेंट एट द बॉटम एंड पुल आउट दिस रेन कवर विच इज़ गिवन अलॉन्ग विद दिस बैकपैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रेन कवर को बाहर निकाल लिया है, ये अटैच्ड है एक लूप के थ्रू तो ये गुम नहीं होगा कहीं पे, आपके पास हमेशा रहेगा। तो आप इसे पूरा अनफोल्ड करके बैग के ऊपर पहना सकते हैं ताकि जो पानी है वो अंदर के तरफ ना जाए। एंड वंस यू डन यूजिंग इट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फोल्ड इट बैक एंड स्टफ इट बैक इनसाइड दिस पर्टिकुलर पॉकेट और आप जिप को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था 20,000 रुपये का ROG बैकपैक, गेमिंग बैकपैक, टेक बैकपैक, जो भी आप कह लीजिए। एंड ऑनेस्टली इट वाज रियली फन यूजिंग दिस बैकपैक, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता था लोग ये देखते थे, लोगों को लगा हुआ है। एज आई सेड आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर क्वाइट अ व्हाइल, सो बिफोर थिंग्स गॉट दिस सीरियस मैं अगर थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाता था तो दिस वॉज काइंड ऑफ लाइक अ हेड टर्नर, क्योंकि रंग बिरंगा लाइट अगर चमक रहा है आपके बैकपैक के पीछे तो लोग ऑफकोर्स देखेंगे। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट वगैरह हो देन यू कैन गेट दिस टू काइंड ऑफ बी दी सेंटर ऑफ अटेंशन। लेकिन हाँ, बात यही है कि 20,000 रुपये का ये बैकपैक मिलता है एंड ऑनेस्टली इट माइट नॉट मेक सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी ऑन अ बैकपैक, लेकिन जिनको लेना है ऑफकोर्स ज़रूर ले सकते हैं। बहुत ही प्रोटेक्टिव बैकपैक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर आप अपना लैपटॉप या फिर कोई भी कीमती सामान इस लैपटॉप में रखेंगे देन इट इज़ गोइंग टू रिमेन सेफ, दैट आई कैन अश्योर यू। साथ में जो कूल फीचर्स मिल जाते हैं, लाइटिंग वगैरह, पावर बैंक का पास थ्रू है, ये सब कुछ फीचर्स हैं जो काफ़ी अच्छे लगे हैं मुझे। कंपार्टमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मिल जाते हैं इस बैकपैक में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग एडवांटेज अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। हालांकि अभी इस सिचुएशन में तो कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, बट once things get normal, if you are going to travel a lot, then this backpack can be very helpful to you as it can fit in a lot of things. जो डोरेमोन का बैग है ये इसी की तरह है, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर फिट कर सकते हैं। बट अगेन बात यही है, 20,000 रुपये का बैग है, सोच समझ के खरीदिए। अगर आप खरीद सकते हैं तो आपका पैसा है, कोई नहीं रोक रहा आपको, आराम से आप जाके खरीद लीजिए। सो दैट वॉज आर रिव्यू ऑफ दी ROG बैकपैक। आई एम गोइंग टू continue using this until of course Asus takes it back, because I really like this backpack, it's cool and it kind of fits in literally everything I have. तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। काफ़ी लंबा वीडियो बना होगा जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ हर वीडियोज, बट आई थिंक दिस इज लाइक अ वेरी इन डिटेल्ड लुक एट दिस पर्टिकुलर बैकपैक। तो बस अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरा नाम है सुमुख, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।